के तिरछ नजर आऊं तू जवाहर फिल्म से हम गायिका मीरा मूर्ति कमलेश जी के माध्यम से एक बिरहा में आप सबके बीच में गा रही हूँ, एक अनोखी बिरहा। हमेशा ही हमारे आवाज में आप सब बिरहा सुनते हैं, लेकिन ये बिरहा एक नई बिरहा और विश्वास बा कि आप सबके पसंद आई। कवि जी चार लाइन भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर। कर्म को ही प्रधान बताते सभी, कर्म अनुरूप दुनिया में मिलता है फल। थे प्रतिष्ठानपुर में सुघर साहसी, सूर सेने कमहिपाल दानी रहे। अंग अंग उठे वीरता की लहरी, जोशीला जौहर जवानी रही। सिर बधा करके सिहरा वो लाए दुल्हन, अप्सरा से सुधर उनकी रानी रही। मास्टर साहब, बिरहा में हमारे गुरुजी के जमाना वाला गीत लग गई। ओ समय शायद बिरहा जगत में हमार जन्म कर्म ना होई, ना ही कोनो बिरहा से हमार लगाव रहल। ए गीत के चाचा दादा लो अपने जमाने में गावे, कैसे गावे? मेहरारू कहले रहल कार्य कार्य जाऊ 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 धुन से बढ़िया कवि जी हमारे बिरहा के भाव लिखल। अरे विधना हो विधना, अरे विधना हो विधना, अरे विधना हो विधना विधना, तो नाटक कैसन कैसन बनावे विधना जियो बहादुर। बाबू तनी कहानी के समझ ली। ये कहानी प्रतिष्ठानपुर के रहे वाला एक राजा जो ने राजा के नाम बतावल गई सूरसेन।
कहेल आदमी की कुल तकुल है यह जवानी के पानी साला एगो अलगे होला। अरे उफारत जला हो भैया। हाँ, चार वारी बहुत जला। हर चीज रोका जाए लेकिन यही सनाग हो के रोकल बस के बात नहीं खे। सुरसेन राजा के अबार जवार में उनके बिरताई का डंका बजत रहल। सुरसेन राजा जवानी में शादी करते हैं, नई नवेली दुल्हन घर में आई और दुल्हन के साथ सुरसेन राजा धीरे धीरे समय बिताने लगते हैं। और जब कुछ दिन बीतल कभी जी अंतरा के लाई लिखल अरे के हुए के साथ दीना के हुए के साथ दीना नाथ अब धरावे लंग घूम बिधाना तो नाथ कैसन कैसन बहलावे ले बिधाना मास्टर साहब। जब मेहरारू नई नई घर में आवेली ते इतना मन खुश रहेला। हां जी। अच्छा खाए के एक रोटी तो आदमी तनी बरियाई दो चार को दबाई। सुरसेन राजा अपने दुल्हन के संगे दिन बितावतन मन में ये ललसा बा कि भगवान कहिए हमरे दुल्हन के गोद गुलजार करी हम। राजा रानी मिल के इतना मेहनत कइलो के को साल ना बीतल रानी के तुरंत हो गई। रानी गर्भवती होती है तो कवि जी भाव लिखते हैं रानी गर्भवती भैली साजली महालिया आर लाल होइए गोदिया में सपना सजावे लन हो भी धना नाटक कैसन कैसन निभावे ले भी धना मास्टर साहब लगन मेहनत कही जाले ना। राजा के मन में जो सपना रहो वो पूरा हो गई रानी गर्भवती हो गई। राजा सुनलन के हमरे दुल्हन के जौन बा होखे वाला बा लगलन जौन बा जगह जगह खुशी मनावे। राजा जगह जगह लगलन सोहर मंगल गवावे। सखी सहेली लो जुटल बालो जनते बनी जग की सोहर मंगल जब चाची दादी लोग आवे लालो तो वहां लोग के गोल तीन चार को गोल होला। किसिम किसिम के सोहर गावे लालो। एक तरफ बुढ़िया दादी लो बैठल बालो एक तरफ जवन की लो बैठल बालो। आई 14-15 साल वालीन के तो बतिए छोड़ा सोहर गावत लो कैसे मास्टर साहब मास्टर साहब इहो एगो गजबे दिन होला। अरे बाप रे बाप जब लड़का धरती पर जन्म लेलन तो माई बाबू के खुशी के ठिकाना ना रहला। जगह जगह सखी लोग बैठल बा लोग सोहर गीत होता यही में बुढ़िया दादी लोग कैसे गावत लो सोहर अरे खुशी वाला दिन रसाई गई ले जिया हाँ रसाई गई ले हो राजा सूर से गवावे सोहरिया की जग मग नगरिया सखिलो तनी साज बात पकई से गवे ललो। अरे खुशी वाला दीनानी आराई गई ले जिया हाँ रसाई गई ले जिया हाँ रसाई गई ले
ललना सुर से गवावे लनी सोहरिया की जग मगना जोरिया नु हो ललना सुर से गवावे यही सोहरिया के तनी मनी एने वने हटबा पहाड़ी इलाका में मेहरारू कैसे गावेली तनी मनी यही के बदल के गावेली मास्टर साहब। अरे खुशी वाला दिन आराई गईले जिया हार रसाई गईले जिया हार अरे मोरे ललना रे अरे मोरे ललना रे असुर से गवावे लने सो हरिया नगरिया ने सोरी भइले हो मोरे ललना अरे रानी के प्रसव लपीरा भइले लइका एगो कीरा भइले लइका एगो कीरा भइले राजा भेदावा छिपावे लनी बखरिया की जग मग नगरिया राजा भेदावा अच्छा राजा इतना खुश बन की रानी से बेटा पैदा हुई लेकिन बाहर ऊपर वाला तोहरो गजब महिमा बा रानी के जब अंतिम समय चलता नौवा महीना में रानी लड़का लड़की के जन्म ना रानी के पेट से एगो कीड़ा के जन्म भइल आ जब कीड़ा के जन्म भइल राजा खबर पहुँचलन कि ना बेटा ना बेटी हमरे दुल्हन से कीड़ा पैदा भइल बा ए बाबू राजा लगलन छिपावे आ जब छिपावे लगलन धीरे धीरे समय बीते लगल उन नागवा जब धीरे धीरे जवान होखे लगल तो लिखल गइल यही में मास्टर साहब अरे धीरे धीरे या दुबुद नाग डोले लागल मानो नी अरे बोले लागल मानो बाबू भैली सयानी मोरी उमरिया की जग मगन गरिया बाबू भैली राजा दुनिया के नजर से अपने वो नाग बेटा के बचा के रखे लगलो धीरे धीरे नगवा जवानी पर आईल एक रोज राजा से कहलस के बाबू सब कुछ देखे ला लेकिन है बेटा के उम्र पर ध्यान नहीं खा दे आधा पेट के खाई ले जवानी पर के मरल बड़ा खड़े ला राजा समझ ना पावलन कहलस के बाबू कम से कम इतनो ध्यान दे तुहार बेटा शादी करे लायक हो गई राजा मन ही मन सोचा तलन की कोनो लड़का रही चाहे लड़की रही तो शादी हो भी जाये लेकिन ये नाग बेटा के शादी कौन ऐसन बेटी के बाप होई की करी राजा सोचा तलन ए बाबू चिंता में पड़ गई लेकिन भाईल का बिरह में बड़ा सुंदर गीत दिहल गई कौनो दुल्हन के दुल्हा
एकदम घचाक मिल गई दुलैया कल जाए तो हम माटी लगो एक को हाली बढ़िया सम से बोलता बती तो। आज कितना दिन के बाद हमनी के फुर्सत भी मिलल बा तो देखा तनी कि केवाड़ी के पल्ला दोनों ओर खुलल बा समझावती अपने दुल्हा के कैसे मास्टर साहब बाके खुला दरवाजा कोली बंद रह जाबी खुला दरवाजा खोली बंद राजा जी दरुआ गोदी में आवताया नंद राजा जी रुआ धून रहल बिरहा के लेकिन ऐसे बढ़िया भाव दिल गई कहीं सभी राजा आवस नाग बेटा अपने बाप से सवाल करता है कहता है क्या तगाढ़ा फूकता जवानी आवाजा बाबूजी दाढ़ा फूकता जवानी जवानी आवाजा बाबूजी बोला कही मोर कर बाबू याह बाबूजी बोला याह बाबू राजा समझाओ तो उनके बेटा कम से कम अपने ऊपर ध्यान दो कौन ऐसा बेटी के बाप हुई कि अपने बेटी के हाथ तोरे हाथ में दी लेकिन फिर भी नाग बेटा मानत नहीं खने बाबू कवि जी के लिखे के पड़ल का गलती भइल भारी पहिली आई समझना मावा कैसे बनाई मोहरे सिरा पे से हरवा नेहरा रूबी न मानो माने आह बाबूजी नेहरा लारू भी नमाना बाबू जी तो बोला कही मोर कर बाबू याह बाबू जी बोला कही कैसे नाग बेटा के शादी हुई एने नाग बेटा भी जोन बा एकदम जोर भर ले हो मेहरारू के बिना एक दिन एक बरिस बीतत है राजा अपने बेटा के देख के बड़ा चिंता में बढ़न मास्टर साहब होत का बड़ा सुंदर बिरहा में टेरी लिखल गई ये टेरी के बुढ़ऊ दादा लोग कैसे बोले अरे मोरे राम अरे दुलहिनिया कैसे कीरा के बनी ए बाबू दुलहिनिया कैसे कीरा के बनी तो कौनो राजकुमारी राजा के बिटहिया 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 कौनो राजकुमारी राजा के बिटहिनिया दुलहनिया कैसे कीरा के बनी अरे दिया भैया दिया ए बाबू राजा तुरंत जनबा नाऊ के पंडित जी के बुलाए के आदेश दे दिहलन बेटा खातिर लगलन नगर नगर में लईकी खोजवावे पंडित जी और नाऊ महाराज कई लोग
पंडित नाऊ लड़की खोजे पाकर के राजा के आदेश, फिक्र लिए एक राजा विजय सिंह जो रहते पूर्व के देश, बिटिया उनकी रही भोगवती जब सुनी सारा संदेश, भाग्य में मेरे नागपति हैं होगा चाहे लाख कलेश। ए बाबू नाऊ महाराज पंडित जी खोजत खोजत पूर्व के देश चल गई, लोग ओजा के रहे वाला विजय सिंह के एकलौती बेटी ओकरो जवानी चरचराइले रहल मास्टर साहब, ओकरो जोड़ जुगुत जल्दी लइका ना मिले, संजोग ऐसन बाकी पंडित जी वही जा पहुंच गइलन। राजा के चेहरा बड़ा धूमिल बा, पंडित जी नाऊ समझावत लो कि चिंता मत कर राजा, जितना दिन चिंता करे के रहल कह लेल, तोरे बेटी के शादी खाती एगो बड़ा बढ़िया लइका देखले बनी जा। ए बाबू पंडित जी नाऊ महाराज जब राजा से सारा बात बतावलो, ये बतिया के लइकिया घरवा में से सुनत रहल, मन ही मन सोच गइल कि हो ना हो मेरे किस्मत में वह नाग ही लिखा है। अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मेरी शादी उसी नाग से आप कर दीजिए। आखिर रिश्ता तय भइल, लेकिन मास्टर साहब बड़ा सुंदर गीत लिखे के पड़ल। रेडीमेंट में और थान में बड़ा अंतर होला मास्टर साहब। रेडीमेंट कपड़ा आज पहिनबा काल सिलाई खुल जाई, लेकिन ओरिजिनल जो थान वाला बा तब एकरा मतलब तोहर तेरे ही तक जली। हमरे कहे का मतलब कि नया लुगा नौ दिन लुगरी बरीस दिन, ये गीत के हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी के आलम में गाई, कैसे गाई मास्टर साहब? चौड़ी गली सुनी कहिला राजाऊ, मिर्जापुर के कहिला जुले जार हो, चौड़ी गली सुन कहिला राजाऊ, लेकिन बिरहा में भाव निकल गई। अरबिया होए राजा जी, अरबिया होए राजा जी, अरबिया होए राजा जी की, अरे बोला बिया होए राजा जी, अच्छा तुराई कई के नौआ बोला हो की, बोला बिया होए राजा जी, हर बात जोन बा क्लियर हो जाए। दुल्हा बहुत बढ़िया बा, लेकिन एगो और हमार बात ध्यान से सुन लो, दुल्हा तोरे दुआरी पर आवे लायक नहीं है, ये बात तय हो जाए। दुल्हा ना ये बल्कि अपने बेटी के हमरे संगे भेज दो। ए बाबू जब इतना राजा सुनलन तो कैलन का, दुल्हा नया ये जोगी, अरे तो हरे अंगनवा लड़की पठा दे मोरे मान कहनवा की, डोला दिया होई राजा जी, डोला दिया होई राजा जी, अरे इच्छा पूरी करी है भोले नाथ हो की, डोला दिया होई राजा जी। राजा पंडित के अन्नाऊ के बात मान के अपने बेटी के बाबू भेज दिलन,
दुल्हन जब पहुंचल अपने नागपति के घरे, आज रिश्ता तय हो गई वादा के मुताबिक, जहिया शादी होके वाला बा ओ दिन का होता। बड़ा सुंदर गीत कहल गई मास्टर जी, अच्छा ये बताओ, आदमी बतो करे माथे पर पगड़ी बन्हा भी जाई, सेहरा बन्हा जाई, लेकिन नागावा के कैसे बन्हाई? समझे ने के आवत की नागावा दूल्हा कैसे बनी? चारों तरफ जौन बा शादी के चर्चा हो गई, और जब शादी के चर्चा भइल मास्टर साहब, तो देखो शादी वाला दिन होत का बा, बनल नगावा दूल्हे राजा ये बाबू, अरे शास्त्र विधि से होई गईले बियाहो, आ उठे लहर मन में सागरिया था हो, बनल नगवा दूल्हे राजा ये बाबू, अच्छा कैसहू नाग के कपड़ा उपड़ा पहनाए के पगड़ी वगड़ी बांध के कैसहू शादी ब्याह तो हो गई, एजा तक तो ठीक बा, लेकिन सोचल जाओ कि वो नागावा सुहाग रात कैसे मनाई। धीरे धीरे वो समय आ गई जौना घरी दुल्हनिया के संगे नागावा चलल सुहाग रात मनावे, वो समय कहाँ होत पे मास्टर साहब पहपट के लाइन लिखल गई, हो गई जब पहली मुलाकातिया सुहागर रतिया में, नाग बतावे लागल बीतल बतिया सुहागर रतिया में, अच्छा सुहाग रात के दिने एकदम पलंग वलंग सजावल बा, एक तरफ उ लईकी दूसरका तरफ उ नगावा, धीरे धीरे रात के जब घड़ी 12 बजौलस नगावा तनिको हिले डोलो ना, दुल्हिया मने मने सोचे कि आखिर बात का बा, नगावा त अपन कमजोरी समझत रहल, जब ना रह गई दुल्हन जब खींचे लगल अपने आगे, तब उ नगावा सच्चाई बतावे लगल, का बतौलस? अरे हमें श्राप लागल शिव जी के, अरे सुनी ला हमारी प्यारी हो, कोई नहीं तारे पाई लिखल हो नहारी हो, अरे अलग अलग अपन किस्मतिया सुहागर रतिया में, अब हो गए दुनिया करनी हो विपतिया सुहागर रतिया में,
नगवा बताओ त के रानी ई जौन हमार देखतड़ू नाग के रूप देखतड़ू एकर कारण जंतर काबा एक बार कैलाश पर्वत पर भोले नाग पार्वती के लेके सुतर हलन हमार नजर भोले नाथ पर पड़ल आ जब भोले नाथ के नजर हमरे ऊपर पड़ल वही समय भोले नाथ श्राप दे दिलन कि जाओ मनुष्य से अभी सांप बन जाओगे नाग बन जाओगे आज भोले नाथ के श्राप के कारण हमार जनबार रूप नाग के बा दुलहिया रोवे लगल कि हमार कर्म फूट गई आखिर आपके ई जनबार श्राप लगल बे श्राप से आपके मुक्ति कैसे मिली ए बाबू दोनों पति पत्नी विचार करत रहन लेकिन होत का बा अल्लाह के लाइन लिखल गई हे राम अरे कर जोरी नाग से अरे पूछा न लागी दुलहिनी बाबू नाग कहे रहली जंगल शिव के हाथ हवा में बाबू कहली पार्वती जब स्वर हो सिया शिव के हंसाती देखी हम हंस बिहनी बाबू पार्वती के हाथ में कंगन के रूप में हम रहनी भोलेनाथ के दुलहिन पार्वती सोरहो सिंगार कई के ए बाबू बैठल बड़ी भोलेनाथ दे के पार्वती के मन ही मन मुस्का तड़ो कंगन के रूप में पार्वती के हाथ में जब शंकर भगवान के ऊपर हमार नजर गई हमू हंस देहनी आज जब हंस देहनी तो भोलेनाथ हमके श्राप दे दिल नगवा सारा सचाई अपने दुलहिन से बताओ तो और का भइल मानो तम से होई तो हरी धरती पर जन्म बाबू लेकिन रूप रही सुनी ले जावार रोने लगनी कि प्रभु ये बताई कैसे आप श्राप देले बनी एक से हमके मुक्ति मिली मानो के तन से हमार जन्म हुई लेकिन रूप हमार जो बात सांप के रही कैसे उधार हुई भोलेनाथ तब भोलेनाथ उपाय बतौलन भोले के चरणिया में हम गिर गई बाबू प्रभु कैसे हमार उधार होई भोलेनाथ कहलन कि दुलहिन के लेके जब गौतमी नदी में नहैब ओ समय तोके सांप से छुटकारा मिली मानो के शरीर फिर से हो जाई ए बाबू दुलहिया जब ऐसन बात सुनलस ई दुनिया में कैसन मेहरारू होई कि अपने पति के आज्ञा के पालन ना करी अपने पति के असली रूप में ले आवे खातिर दुलहिनिया अपने नाग पति के लेके चल देलस आ जब चलल तो कभी जी बिरहा के खड़ी लिखलन अरे मोर राम अरे बोली दुलही चल गई अब नहाला सजन अरे अपन बिगड़ल जीवन यहाँ बनाला सजना
अरे नारी संग गौतमी नदी में नागवा नहाया, अरे मानो के शरीर सुधरी, अरे रूप ताबा पाया, अरे हंस के अपने घर लगाल सजना, अरे अपन बिगड़ल जीवन यहाँ बनाल सजना। आज नगवा अपने दुल्हन के लेके वही गौतमी नदी में नहैलन, आ जब नहैलन तो उनके जौन बा शरीर जौन रहल सांप के, सांप से बाबू मानो के शरीर फिर से हो गई। खुशी खुशी पति पत्नी दिन बितावे लगलन, आ जब दिन बितावे लगलन तो कवि बिरहा के आखिरी भाव में लिखलन, गुरु गणेश गुरु राम लाल गए स्वर्ग में बच्चन पावल, अरे राम देव चंद्र का कवि पुजारी राम खेलावल, ये बाबू दुल्हनिया कैसे हीरा के बनी।